को दिल्ली भेजो तो तुम पढ़ तो ले तो मामा जी मेरे को पता नहीं दिल्ली कैसे रह जाता स्वागत गीत गाने वाली बच्चियों को 1100 रुपए शाकर खान ईशान आ गया है और लड़की साहब के हाथों अपना इनाम प्राप्त अवसर देने में किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
आप सबकी सहभागिता की। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी हमेशा के लिए आप इसको बरकरार रखेंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत फहमियां एक दूसरे के प्रति नहीं हो, ये जो आप हमेशा बातचीत से और हंसी से सुलह और समाधान करने का सभी का प्रयास रहता है जिले में, वो मैं वास्तविकता में सभी के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, तारीफ भी करना चाहता हूँ इस चीज की। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता क्यों है? समाज के बुजुर्ग लोग होते हैं जो हमारे समाज में हर हरेक के समाज में कुछ नीति निर्धारण करते हैं, समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, नई पीढ़ी को दिशा दिखाने का काम करते हैं, और ये परंपरा से पूर्वापार से चलता आ रहा है। चाहे कोई भी समाज हो, उस समाज के अंदर जो समाज मान्य लोग हैं, चाहे वो किस पद पे बैठे हुए हैं या कोई पद पे नहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बातों की तवज्जो खूब ज्यादा होती है समाज के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से और अपनी कृति से वो इज्जत पाई हुई होती है और रुतबा पाया हुआ होता है कि उनकी बातों को अहमियत मिलती है। और अगर पुराने समय में भी देखें तो गुरु शिष्य परंपरा थी, सब कुछ था, लेकिन बदलते समय के साथ दुनिया इतनी फास्ट बदल रही है। कर लिया हुआ मोबाइल आज आउटडेट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से बढ़ रही है, हर चीज इतनी जल्द गति से बदल रही है।